नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ बिलैयागंज स्थानीय बाजार में स्थित जमियातुल फलाह विद्यालय द्वारा तमाम प्रकार के मरीजों के इलाज के लिए एक अलफला हॉस्पिटल चलाया जाता है, जहां गरीब मजदूर और जरूरतमंदों का इलाज कम पैसे में किया जाता है। इस संबंध में न्यूज लाइन भारत से बात करते हुए हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर उमर अहमद और जमियातुल फलाह मदरसा के नाजिम मौलाना रहमतुल्लाही अशरी साहब ने बताया कि इस मदरसे को ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी दिल्ली द्वारा एक एम्बुलेंस गिफ्ट किया गया है, जिसका पर्पज है दूर दराज से गरीब मरीजों को लेकर समय से का इलाज कराना। इसके लिए उन लोगों ने संस्था का आभार प्रकट किया। शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी रिजवान रफीकी सामने हॉस्पिटल में पहुंचकर मदरसा के नाजिम रहमतुल्लाही असली को एम्बुलेंस की चाबी थमाकर झंडे दिखाते हुए एम्बुलेंस को रवाना किया। इस मौके पर मदरसा के पूर्व डायरेक्टर मौलाना ताहिर मदनी, अब्दुल वाकाजुल नेता डॉक्टर खालिदपुर, चेयरमैन डॉक्टर अबू सहमान, नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र विश्वकर्मा सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। बिलैयागंज से रोशन लाल की रिपोर्ट। इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज मार्केट के जामतुल फलाह विद्यालय में, जहां आज एक एम्बुलेंस का उद्घाटन हुआ है। आइए हम जानते हैं सीधे जामतुल फलाह के डायरेक्टर डॉक्टर उमर साहब से कि एम्बुलेंस कहां से आई और इसका पर्पज क्या है। सर, इस एम्बुलेंस को किसने दिया है और किस पर्पज से दिया है? ये ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी दिल्ली संस्था है, इसने इसको दिया है और यहाँ पर चैरिटी हॉस्पिटल चलता है जामतुल फलाह में। उसमें क्योंकि गरीबों के इलाज और कम खर्च का इलाज होता है, इसलिए इसमें जो उसकी ज़रूरत थी और इसका असर गरीबों पर और आम लोगों पर पड़ेगा, सस्ता इलाज होगा और बेहतर सहूलत मिलेगी। हाँ तो सर, ये जो एम्बुलेंस यहाँ आई है, इससे हॉस्पिटल में किस तरह का मतलब क्या महसूस किया जा रहा है? अरे भाई, खुशी की बात है, एक अच्छी चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ है। और बगैर एम्बुलेंस के अस्पताल होता भी नहीं है, इसकी वजह से सभी लोगों का फ़ायदा है, खासकर यहाँ के आवाम का फ़ायदा है। हाँ सर, जामतुल फलाह की वजह से ये बिलैयागंज मार्केट विश्व के कोने कोने में जानी जाती है, इससे यहाँ के लोगों का भी कहीं ना कहीं हौसला अफजाई होता है, बुलंद होता है। तो क्या यहाँ के लोग भी इस तरह का काम कर सकते हैं? इससे ज़्यादा कर सकते हैं, करने वाले चाहें तो कुछ लोग कर भी रहे होंगे। कर भी रहे हैं और काम तो जाहिर सी बात है कि इससे भी अच्छा हो सकता है और भी बढ़िया हो सकता है। इसी कड़ी में विद्यालय के नाजिम हम रहमतुल्लाह असरी साहब से जानना चाहेंगे, सर इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत दिनों से इस बात की कोशिश की जा रही थी कि यहाँ जिस मकसद से ये हॉस्पिटल कायम किया गया और इस इलाके में चंद सालों में इसने जो शोहरत हासिल की है और लोग बगैर किसी तफरीक के मुस्लिम गैर मुस्लिम अमीर गरीब सारे लोगों को उसके मुताबिक जो है उनका इलाज फराहम किया जाता है और 24 घंटे की इमरजेंसी भी है। ये एक बहुत बढ़िया ऐसी सुविधा है कि कोई भी कभी भी किसी वक्त भी आ सकता है और करता है। इसके लिए एम्बुलेंस की चाहिए ज़रूरी थी, जो एम्बुलेंस इससे पहले थी लेकिन वो बेकार हो गई थी। अब ये है कि इससे बेहतर तरीके से जो है लोगों को सहूलत दी जाएगी यहाँ लाने और कहीं भी पहुँचाने के लिए। और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं फाउंडेशन के कि उन्होंने जो है ये की है और आइंदा भी इसकी मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कि ये ऐसा मैदान है कि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई अब ख़त्म हो गया, बल्कि ये इंशाल्लाह और तरक्की करेगा और लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। न्यूज़ 9 भारत।